फ्रेंड्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम यू कैन सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशंस। तो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे हरियाणा कलर्क वाले एग्जाम की, किसका रिजल्ट कब आने वाला है और इसकी कट ऑफ कितनी रहेगी, मेरे मार्क्स कितने हैं, क्या हमारा सिलेक्शन हो पाएगा नहीं हो पाएगा, इन चीज़ों पर आप बात करेंगे। तो ये है मेरा दोस्तों आपके सामने दिख रहा है, ये मेरा स्क्रूटनी फॉर्मेट है जो मैंने अपलोड किया था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले अपलोड करने होते हैं डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद ये प्रिंट निकल के आता है और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर इसको देखते हैं। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं कि मेरे मार्क्स कितने थे। मेरा जो एग्ज़ाम है हरियाणा कलर का वो हुआ था 23 तारीख को इवनिंग टाइम में। तो मेरे जो मार्क्स बनते हैं इसके अंदर वो मेरे मार्क्स हैं 67, ठीक है, मेरे 67 मार्क्स हैं आउट ऑफ 100 इसके अंदर। और अब बात करते हैं हमारे कट ऑफ की, कि कट ऑफ कितनी रहेगी और रिजल्ट कब आएगा। तो हरियाणा गवर्नमेंट ने श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने कह दिया है कि लॉकडाउन खुलने के बाद ही भर्तियों का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, यानी कि लॉकडाउन खुलने के बाद हमारे रिजल्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे। मैं आपके सामने एक चीज़ दिखाता हूँ जिससे पता चल जाएगा कि हमारे रिजल्ट आने लगे हैं। तो हरियाणा गवर्नमेंट ने ये चीज़ रिलीज़ कर दी है, देखिए यहाँ पर ये हमारा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग कृषि विभाग हरियाणा कृषि निरीक्षक, ये इनके जो रिजल्ट हैं वो आ चुके हैं। अब जो रिजल्ट हैं आने स्टार्ट हो गए हैं, तो हरियाणा कलर का भी रिजल्ट आने वाला है और कब आएगा ये अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन अगले महीने तक, अगले महीने की 20 तारीख से पहले ये रिजल्ट आ जाना चाहिए। अब बात करते हैं हमारी कट ऑफ की, कट ऑफ कितनी रहेगी हमारे इस एग्ज़ाम की। तो देखते हैं कट ऑफ पे आते हैं हमारी कट ऑफ कितनी रहती है। तो आज हम बात करते हैं HSSC कलर्क कट ऑफ की, कि कट ऑफ कितनी रहने वाली है, ठीक है। तो जो हमारी जर्नल की कट ऑफ है वो एग्ज़ाम मतलब बिना किसी टाइप के मार्क्स जोड़े, जो हमारे 10 मार्क्स जुड़ने थे उनके बिना जोड़े ही हमारी 61 रही थी, ठीक है, ये 61 रही थी। तो अब जो फाइनल कट ऑफ है, ठीक है, फाइनल कट ऑफ जो रहेगी हमारी वो रहेगी हमारी 69, ठीक है, 8 मार्क्स इसके अंदर जुड़ जाएंगे भाई, 69 जाएगी, ठीक है, 68 से कम नहीं रहेगी, 69 बिल्कुल एग्जैक्ट बता दी मैंने 69, क्योंकि मैंने जैसे बहुत सारे एग्ज़ाम दे चुका हूँ, बहुत सारे एग्ज़ाम क्लियर करें तो तजुर्बा हो गया है कि कितनी क्या कट ऑफ जाएगी हमारी। अब देखते हैं हमारी BCA की, ठीक है, BCA की देखते हैं। तो BCA की जो कट ऑफ गई थी वो हमारी 58 पे गई थी, 58 वाले का सिलेक्शन था, ठीक है। तो इसकी जो कट ऑफ जाने के जो मोस्ट प्रोबेबली चांस है ना, जो मोस्ट प्रोबेबली चांस है वो हमारे हैं 65, ठीक है। तो इसकी जाएगी 65, BCA वालों की 65 जाएगी। अब BCB की बात कर लेते हैं, BCB की कितनी जाएगी, BCB की जो कट ऑफ थी ना वो हमारी 60, ठीक है, 60 वाले का सिलेक्शन था BCB के अंदर, और इसकी भी 68 तक जाएगी हमारी कट ऑफ, ठीक है, BCB वालों की कितनी जाएगी 68 तक जाएगी। और अब लास्ट बात करते हैं हमारी SC कैटेगरी की। तो SC कैटेगरी में जो कट ऑफ गई थी वो हमारी 55 थी और 55 वाले का सिलेक्शन था, तो इसमें हमारा 63, इसमें 63 वाले का सिलेक्शन हो जाएगा, जिसके 63 है उसका चांस है कि उसका सिलेक्शन गारंटेड है, ठीक है। तो ये हमारी फाइनल कट ऑफ थी हमारी HSSC कलर्क की। अब रिज़ल्ट की जो मैंने बता रहा था मैं आपकी, जो रिज़ल्ट आएगा हमारा, श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने अभी हाल फिलहाल में कहा है कि जो हमारा रिज़ल्ट आएगा, ठीक है, जो रिज़ल्ट रहेगा हमारा हरियाणा कलर्क का, ठीक है, ये जो रिज़ल्ट है हमारा ये नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ आ जाएगा हमारा रिजल्ट इसका, HSSC कलर्क का नेक्स्ट मंथ आ जाएगा, क्योंकि एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम दिया था हरियाणा में तो उनका रिज़ल्ट आ चुका है, वो एक रिज़ल्ट देख सकते हैं, ये हमारा रिज़ल्ट है जो कि मैं बताता हूँ कितनी तारीख को आया, ये परसों ही आया है, ठीक है। तो आज देख रहे हैं आप, ये परसों ही रिज़ल्ट आया है, इसकी डेट जो हमारी है 10 मई को, ठीक है, ये 10 मई को आया भाई, ये रिज़ल्ट 10 मई को दे रखा है इन्होंने, 10 मई को दे रखा है रिज़ल्ट, 10 मई को आ गया है। अब जो रिज़ल्ट कलर्क का रिज़ल्ट है वो अगले महीने आ जाएगा,
ये फाइनल है अगले महीने, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर जी ने कहा है कि 12,000 भर्तियों के जो रिजल्ट है ना वो अगले महीने तक घोषित कर दिए जाएंगे लॉकडाउन खुलने के बाद। लॉकडाउन खुलने के बाद कहा उन्होंने, लॉकडाउन खुलने के बाद हमारे रिजल्ट आ जाएंगे। और जो सबसे ज़रूरी बात रह गई हमारी, ठीक है, जो कि हरियाणा कलर जो हमारी भर्तियाँ हैं ये कैंसिल नहीं होंगी, ठीक है। और एक बात और फाइनल जो बतानी ज़रूरी है कि खट्टर जी ने कहा था कि एक साल तक किसी भी तरह की कोई भर्ती अब नहीं ली जाएंगी, लेकिन आगे के एग्ज़ाम नहीं लिए जाएंगे। वो एग्ज़ाम की बात करेगी, आगे के एग्ज़ाम नहीं लिए जाएंगे इससे रिलेटेड। भर्तियां जो अभी तक एग्ज़ाम लिए जा चुके हैं उनका सिलेक्शन गारंटीड है, वो उनकी भर्तियाँ होंगी ही होंगी। जो भर्तियाँ हैं वो हमारी होंगी ही होंगी, ये आप जान लीजिए। कि उन्होंने घोषित कर दिया है कि 12,000 के करीब जो भर्तियाँ निकली थी वो उनके सबके रिजल्ट देंगे। आगे जो भर्तियाँ हैं उनमें एक साल का गैप आ सकता है। भैया एक साल तक उन्होंने मना किया है कि एक साल तक भर्तियाँ टाल दी गई हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, हो सके तो बाकी भाइयों तक भी वीडियो पहुँचाएँ और वीडियो को शेयर करें और लाइक बटन को दबाएँ और कमेंट करके भी बताएँ कि आपकी इसमें क्या राय है। तो थैंक यू हमारी वीडियो देखने के लिए, आपका दिन शुभ रहे।